जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के चौथे T20 मुकाबले में दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्रीम 11 में पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं टीम बना करके, तो यहां पे दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन को लेना है या फिर सिमंदे को लेकर चलना है। बैटमैन सेक्शन से क्या आज फिर शुभमन गिल कप्तान बनेंगे या फिर दोस्तों फ्लॉप होंगे, ड्रीम टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे दोस्तों, आपको हर जानकारी मिलने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में लेकर चलना या नहीं चलना। अभिषेक शर्मा क्या दोस्तों आज फिर से शतक मारने वाले हैं या सिकंदर राजा कप्तान या उप कप्तान बनने वाले हैं। आज लाउंडर सेक्शन से कौन कौन से खिलाड़ी लेकर चलने आए। गेंदबाज सेक्शन से रवि बिश्नोई को लेकर चलना है या नहीं चलना, क्योंकि पिछले मैच में ड्रीम टीम से बाहर हुए आवेश खान को लेकर चलना है नहीं ले चलना। दोस्तों इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मुकाबले में दोस्तों किसको कप्तान बनाना, किसको कप्तान बनाना है, और यहां पे 22 करोड़ रुपए की मेगा ग्रैंड लीग है। फर्स्ट रैंक वालों को यहां पे दोस्तों कितना, 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर बात कर ली जाए रिसेंट मुकाबले में, यहां पे शुभमन गिल देख सकते हैं, बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला जो हुआ है उसमें यहां पे शुभमन गिल 186 पॉइंट के साथ में कप्तान बने हैं, और यहां पे वाशिंगटन सुंदर वाइस कैप्टन बने 133 पॉइंट के साथ में। और कप्तान उपकप्तान फंसाना दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप लोग कप्तान उपकप्तान नहीं फंसा पाते तो आप यहां पे घंटा कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं शुभमन गिल आपके सामने है, वाशिंगटन सुंदर दोस्तों कप्तान उपकप्तान बने हैं, और पिछले मैच में दोस्तों हमने बोला था कि यहां पे कप्तान उपकप्तान अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को मत बनाइएगा। पहले मैच में देख सकते हैं यहां पे रवि बिश्नोई है देश का कप्तान है और सिकंदर राजा वाइस कैप्टन बन चुके हैं। और दोस्तों यहां देख सकते हैं दूसरे T20 मुकाबले में यहां पे अभिषेक शर्मा सेंचुरी मार करके कप्तान बने हैं, और यहां पे वाइस कैप्टन कौन बना है, वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बना हुआ है। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों ने देखा जबरदस्त तरीके से कौन कौन से खिलाड़ी ड्रीम टीम में थे, कौन कौन से खिलाड़ी यहां पे दोस्तों आ चुके हैं। तीन मुकाबले हुए, तीनों मुकाबले में जबरदस्त आपने ड्रीम टीम देख लिया है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में क्या ड्रीम टीम होने वाली है। यशस्वी जायसवाल ने भी वापसी करी है, संजू सैमसन आए बट ड्रीम टीम में नहीं आए, आज के मैच में क्या गेम चेंजर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बागेश्वर बाबा की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। यहाँ पे देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से जबरदस्त आपको टीम मिलने वाली है, और आज बताएंगे किस खिलाड़ी का भाग्य चमकने वाला है, कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर होगा, किसके सितारे चमकेंगे, कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने ड्रॉप करके चलना है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे टीम बनाएंगे, किस खिलाड़ी को लेकर चलेंगे। अगर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मुकाबले में बात कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे मेगा ग्रैंड लीग 22 करोड़ रुपए है, और आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा पैसा 1.5 करोड़ रुपए फर्स्ट रैंक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अगर दोस्तों मैच स्टेटस की बात की जाए, देख सकते हैं इंडिया जिम्बाब्वे पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले हारी हुई है, 2 मुकाबले जीत करके आ रही, वही इंडिया दोस्तों पिछले 5 मुकाबलों में 1 ही मुकाबला हारी हुई है, जो कि जिम्बाब्वे का पहला मुकाबला था, उस मुकाबले में इंडिया की टीम हार गई थी, बट दोस्तों यहां पे देख सकते हैं उसके बाद से जबरदस्त कमबैक किया है और अभी तक लगातार जीत रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1 ही मैच हारी हुई है, वो कि जिम्बाब्वे जैसी घटिया टीम के सामने। और ये मुकाबला कहां पे होने वाला, हरारे स्पोर्ट क्लब जिम्बाब्वे में दोस्तों यहां पे यही मैच होने वाला है। और यहां पे बल्लेबाज आपको देखा होगा जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, सभी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं इस पिच पर। उसके बाद यहां पे पेसर्स को मदद मिलती है, और दोस्तों अगर बात की जाए 150+ यहां पे 180-170 रन बनते हुए, 200 तक बनते हुए, 150 मतलब 170 के आसपास आप लोग मान सकते हैं, 170-180 रन बनते हुए यहां पे दिखाई दे सकते हैं इस पिच पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेटेस्ट विकेट की बात की जाए तो 62 विकेट है यहां पे देख सकते हैं, पेसर्स को 33 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 29 विकेट मिले, मतलब स्पिनर और पेसर लगभग लगभग 19-20 का फर्क है। उसके बाद यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबले जिम्बाब्वे के सामने 3-4 मुकाबले खेले गए हैं, जिम्बाब्वे ने 1 ही जीता है और इंडिया ने 3 मुकाबले जीत लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से टॉप 3 खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 5 T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिया है, वही जिम्बाब्वे की तरफ से पिछले 5 T20 मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी ने जिन्हें पॉइंट्स दिया है। तो इंडिया की तरफ से बात कर लेते हैं 413 पॉइंट दे चुके हैं रवि बिश्नोई, कितने 413 पॉइंट्स दे चुके हैं रवि बिश्नोई। वही आवेश खान ने दिया 333 पॉइंट, ऋतुराज गायकवाड़ ने दिया 302 पॉइंट्स। वही ऑलराउंडर से बात करते हैं 392 पॉइंट्स दे चुके हैं सिकंदर राजा, और यहाँ पे देख सकते हैं बयान कैबिनेट यहाँ पे 385 पॉइंट दे चुके हैं, आर मुजब रानी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 251 पॉइंट दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं किस खिलाड़ी को लेकर चलना है, किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री राम।
देख सकते हैं यहाँ पे संजू सैमसन 50% सिलेक्शन रेट है। पिछले दो मुकाबलों में गेम चेंजर नहीं हुए, खिलाया नहीं गया। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे मुकाबले में खेले और 18 पॉइंट बना करके ड्रीम टीम से बाहर हुए। कुंभ राश के जातक बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी होंगे। यहाँ पे संजू सैमसन जरूर आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। इस खिलाड़ी को हल्के मत लीजिएगा, ये खिलाड़ी बहुत ही भयानक तरीके से आज वापसी करने वाला है विकेट कीपर सेक्शन में। जो संजू सैमसन को जरूर लेकर के चलिएगा, ये एक देख लेना। आज के मैच में बहुत सारे लोग संजू सैमसन को ले लेंगे। आज के मैच में संजू सैमसन से अच्छा खिलाड़ी आपके सामने कोई खिलाड़ी नहीं होगा। वही क्लाइव मुंडे की बात करें, देख सकते हैं क्लाइव मुंडे पिछले 3 मुकाबले खेले हैं इंडिया के सामने और देख सकते हैं पहले मैच में 37 पॉइंट दिया ड्रीम टीम में और दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे में ड्रीम टीम से बाहर हुए, तीसरे में 53 पॉइंट्स दिए हैं। तो क्लाइव मुंडे आज के मैच में हो सकता है फ्लॉप हो जाए, देख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट पोजिशन पर यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं, एक मैच में आ रहे हैं दूसरे मैच में जा रहे हैं। तो क्लाइव मुंडे आज के लिए दोस्तों रिस्की विकेट कीपर के तौर पर अगर ले जाना है तो लेकर जाइएगा दोस्तों रिस्की विकेट कीपर। अन्यथा दोस्तों अगर आपको लगता है ये खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस करके देगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है संजू सैमसन। आज के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी चलता नहीं वही खिलाड़ी गेम चेंजर होता है। अब दोस्तों तीसरा विकेट कीपर की बात करते हैं, यहां पे देख सकते हैं जिम्बाब्वे के तदीवानोस मसूरानी, ये खिलाड़ी आपको ड्रॉप करके चलना है दोस्तों। ये खिलाड़ी देख सकते हैं इंडिया के तीसरे T20 मुकाबले में खेला, 30 पॉइंट दिया है, बट आज के मैच में ये भी दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर होने वाला है क्योंकि संजू सैमसन आने वाले हैं और पिछले मैच में 2 विकेट कीपर आए थे। इसका रीजन है कि क्योंकि संजू सैमसन यहाँ पे नहीं आ पाए थे। आप दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बल्लेबाज सेक्शन से। देख सकते हैं 80% सिलेक्शन रेट है शुभमन गिल का और पिछले मैच में कप्तान बन चुके थे। क्या आज के मैच में फिर से दोबारा कप्तान बनेंगे? जी नहीं दोस्तों, अगर आज जो लोग शुभमन गिल को कप्तान बनाएंगे उनका भारी भरकम नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमने पहले मुकाबले में बताया था कि रवि बिश्नोई और वहां पे सिकंदर रजक को जो लोग कप्तान दूसरे मुकाबले में बनाएंगे वो दोस्तों नुकसान हुए। और 90% लोग यही गलती करते हैं कि पिछले मैच के खिलाड़ी जो बन जाते कप्तान उपकप्तान उनको दोबारा से फिर से टीम में कप्तान उपकप्तान बनाने की कोशिश करते हैं और वो फिर हार जाते हैं। और ये गलती अगर आप लोग भी करते तो आप लोग दोस्तों सावधान हो जाइएगा, ये गलती मत करिएगा, अन्यथा यहाँ पे फूटी कौड़ी भी नहीं जीत पाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग जीतना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा हट करके काम करना पड़ेगा। अगर आप भी भेड़ चाल चलेंगे तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे शुभमन गिल पिछले दो मुकाबलों से यहाँ पे दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। पहले मुकाबले में दोस्तों जिम्बाब्वे सामने 44 पॉइंट दिए, दूसरे में दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर हुए, फिर उन्होंने कमबैक किया 93 पॉइंट दिए तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने और कप्तान का पद हासिल किया। तो इसी प्रकार से खिलाड़ी दोस्तों कमबैक करते हैं, जो खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर होता है वो खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छा योगदान लेकर के आता है और वही काम किया शुभमन गिल कुंभ राश के जातक हैं। आज के मैच में दोस्तों इनको टीम में जरूर लेकर के जा सकते हैं, बट अगर आप सोच सकते हैं इनको कप्तान बना दिया जाए तो आपका नुकसान हो जाता है। आप शुभमन गिल को कप्तान नहीं बना सकते। अगर आप शुभमन गिल को कप्तान बनाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों यशस्वी जायसवाल 80% सिलेक्शन रेट है, शुरुआत के 2 मुकाबलों में नहीं खेल पाए, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, बट तीसरे मुकाबले में 54 पॉइंट्स दिया, एक अपनी रिदम बना के रखी है यशस्वी जायसवाल ने। आज के मैच में दोस्तों 90% चांस है कि यशस्वी जायसवाल लंबी पारी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे और ड्रीम टीम में दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ये कप्तान या उप कप्तान भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल आज दोस्तों पासा पलट सकते हैं, यशस्वी जायसवाल को हल्के मत लीजिएगा। अगर शुभमन गिल फ्लॉप होते तो यशस्वी जायसवाल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी और ये खिलाड़ी अपने काबिलियत के ऊपर बहुत ही अच्छी पारी खेलने के लिए भी जाना जाता है। तो यशस्वी जायसवाल को आप 1-2 टीम में जरूर आज कप्तान उपकप्तान बनाकर के ले चलिएगा, यशस्वी जायसवाल जरूर कमबैक करेंगे। देख सकते हैं जिम्बाब्वे जैसी घटिया टीम के सामने यशस्वी जायसवाल का अगर बल्ला चल गया तो दोस्तों फिर तो तूफान ही आ सकता है। तो यशस्वी जायसवाल को आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देख सकते हैं तुला राशि के जातक यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, पहले मुकाबले में बुरी तरह फ्लॉप हुए और उसके बाद दूसरे मुकाबले में वाइस कैप्टन बने, 114 पॉइंट्स दिए, तीसरे T20 मुकाबले में यहाँ पे 73 पॉइंट्स दिए। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित होंगे, इस खिलाड़ी को भी दोस्तों जरूर लेकर के जाइएगा। ये खिलाड़ी आपको दोस्तों ड्रीम टीम में थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोग इसके ऊपर 30% रिस्क मान सकते हैं कि ये ड्रीम टीम में फ्लॉप हो सकते हैं 30%, और 70% चांस है कि यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ड्रीम टीम में आपको खेलते हुए दिखाई दे। भले बहुत ज्यादा पॉइंट्स न बनाए मगर दोस्तों अगर ये शुभमन गिल ज्यादा नहीं चल पाते हैं टॉप के ओपनर में कोई एक
तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अन्यथा क्योंकि इनके नीचे अभिषेक शर्मा भी खेलते हैं और चौथे नंबर के बल्लेबाज होने की वजह से इनको बहुत कम रन बनाने को मिल सकते हैं। इस वजह से दोस्तों इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर से ड्रीम टीम से बाहर होने का। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना। तो आप लोग दो टीम बनाइएगा, एक टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को रखना है, दूसरी टीम में आप लोग ड्रॉप करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर से ड्रीम टीम में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको बता देते हैं अगले खिलाड़ी तुलाराज के जातक हैं कौन, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात की जाए रिंकू सिंह, देख सकते हैं रिंकू सिंह ने दूसरे मुकाबले में तबाही मचा के रखी थी, 22 गेंद में 48 रन और यहाँ पे 82 पॉइंट्स बनाए ड्रीम टीम में। तो रिंकू सिंह को हल्के मत लेना दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है, बट आज के मैच में रिंकू सिंह को ड्रॉप करेंगे तुलाराज का जातक उतना अच्छा सुभियोग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टॉप के इतनी अच्छी बैटिंग है जिसकी वजह से रिंकू सिंह की बैटिंग आना बहुत ही मुश्किल है। अगर इनकी बैटिंग आई भी तो 10-15 रन बनाएंगे, उससे ज्यादा इनको गेंद नहीं मिलेगी और ना ही इनके सामने स्कोर रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल हो गए और उसके बाद अभिषेक शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ चार बैट्समैन तो खुद है, संजू सैमसन भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों रिंकू सिंह को आपको ड्रॉप करके चलना है, रिंकू सिंह को टीम में लेकर के नहीं जाना ड्रीम टीम में। आपने आईपीएल में देखा होगा रिंकू सिंह ने बहुत कुछ नहीं उखाड़ा था, क्योंकि दोस्तों इनका साफ साफ रीजन था कि इनकी बैटिंग नहीं आ रही थी। उसी प्रकार से यहां भी दोस्तों बैट्समैन बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, इस वजह से रिंकू सिंह की बैटिंग आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के अगले खिलाड़ी जिनका स्लैगिंग रेट 29% है और ये ओपनर बल्लेबाज है वेस्ली मदवेरे। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों दूसरे मुकाबले में 56 पॉइंट्स दिए थे और पहले और तीसरे मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर हुए। तो आज के मैच में वेस्ली मदवेरे आपके लिए दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकते हैं और ये खिलाड़ी जरूर कम बैक कर सकता है ड्रीम टीम में। यहाँ पे जिम्बाब्वे की तरफ से दोस्तों अगर कोई यहाँ पे बल्लेबाज है जो अच्छा खासा प्रदर्शन करके अपनी टीम में ड्रीम टीम में जगह पक्की कर सकता है तो वो वेस्ली मदवेरे है। इस हिसाब से आप लोग वेस्ली मदवेरे को टीम में लेकर के जा सकते हैं गेम चेंजर खिलाड़ी के तौर पर, वेस्ली मदवेरे आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करते देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों डायोन मॉर्स, ये दोस्तों पिछले दो मुकाबलों में दोस्तों नहीं मतलब पिछले तीन मुकाबलों में अगर बात की जाए रिसेंट मुकाबले में यहाँ पे तीसरे T20 मुकाबले में इंडिया के सामने 88 पॉइंट्स दिए, कितने पॉइंट्स दिए हैं 88 पॉइंट दिए, दूसरे मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर हुए, पहले मुकाबले में यहाँ पे 29 पॉइंट दे करके ड्रीम टीम में जगह नहीं बनाई। तो ये दोस्तों आपके लिए डायोन मॉर्स दोस्तों आज के मैच में तो आ चुके हैं बट ये आज मैच में दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर होने वाले, तो डायोन मॉर्स को दोस्तों टीम में मत लेकर के जाना, डायोन मॉर्स को ड्रॉप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायोन मॉर्स को आप लोग ड्रॉप करके चल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 88 पॉइंट दोस्तों दिए हैं, बहुत ही अच्छी पारी खेली थी बट आज के मैच में ये ड्रीम टीम से बाहर होने वाले हैं, आप लोग इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जोनाथन कैंपबेल को, इस खिलाड़ी को आंख मूंद करके ड्रॉप करना, इस खिलाड़ी को टीम में लेकर के जाना ही नहीं। अगर आप लोग जोनाथन कैंपबेल को टीम में लेकर के जाते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, इस खिलाड़ी को टीम में नहीं लेकर के चलना है, जोनाथन कैंपबेल को ड्रॉप करके चलना है, क्या करना है ड्रॉप करके चलना है। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं, 93% सिलेक्शन रेट है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये ऑलराउंडर जिनका नाम देख सकते हैं यहाँ पे सिकंदर रजा भी एक तूफानी दोस्तों ऑलराउंडर है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले मुकाबले में इंडिया के सामने 137 पॉइंट देकर के वाइस कैप्टन बने थे, क्या बने थे वाइस कैप्टन बने थे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर हुए और तीसरे मुकाबले में भी दोस्तों यहां पे सिकंदर रजा ने 82 पॉइंट देकर के ड्रीम टीम में अपनी जगह पक्की करी, फिर भी इनकी टीम हार गई। ये सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कप्तान है और कुंभ राज के जातक है, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से अगर कोई हाईएस्ट खिलाड़ी पॉइंट्स देने वाला है तो वो आपके सामने सिकंदर रजा ही होंगे, सबसे ज्यादा दोस्तों इसी खिलाड़ी के आपको पॉइंट्स देखने को मिल सकता है, हो सकता है इनको दोस्तों कप्तान वाइस कैप्टन भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज के मैच में सिकंदर रजा को आप लोग वाइस कैप्टन भी ट्राई करके जा सकते हैं, ये जरूर आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा 87% सिलेक्शन रेट है और देख सकते हैं पहले मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर हुए और दूसरे मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर हुए, बट इस मैच में दोस्तों आज जरूर अभिषेक शर्मा कम बैक करेंगे, मेष राशि के जातक हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही तगड़ा योगदान देने वाले हैं मेष राशि के जातक अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा को हल्के मत लीजिएगा, ये खिलाड़ी दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी होगा, इसको टीम में जरूर लेकर के चलिएगा, बहुत ही शुभ योग बन पा रहा है मेष राशि का जातक अभिषेक शर्मा, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में जबरदस्त पारी खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले आए और इस खिलाड़ी को हल्के मत लेना, किसको अभिषेक शर्मा को जरूर टीम में लेकर चलना, हो सके तो आज के मैच में वाइस कैप्टन या कप्तान भी दोस्तों बना करके जाइएगा, उतना ही ज्यादा शुभ योग रहेगा।
तो अभिषेक शर्मा को जरूर टीम में ध्यान में रखते हुए ले चलिएगा। वहीं शिवम दुबे की बात करते हैं, शिवम दुबे देख सकते हैं पिछले मुकाबले में ड्रीम टीम में नहीं आए, आज के मैच में गेम चेंजर के तौर पर दोस्तों अगर आप लोग रिस्की खिलाड़ी ऑलराउंडर के तौर पर ले जाना चाहते हैं तो शिवम दुबे को लेकर के जा सकते हैं, किस हिसाब से रिस्की खिलाड़ी के तौर पर, अन्यथा दोस्तों यहाँ पे शिवम दुबे को ड्रॉप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्की खिलाड़ी नहीं तो इनको ड्रॉप करके जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में देख सकते हैं, पिछले तीन मुकाबलों में वाशिंगटन सुंदर ने पहले मुकाबले में 104 पॉइंट दिया, दूसरे में 39 दिया, ड्रीम टीम से बाहर हुए और तीसरे मुकाबले में 89 पॉइंट देकर के वाइस कैप्टन बन चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको वाशिंगटन सुंदर को आज के मैच में जो लोग वाइस कैप्टन लेकर के जाएंगे उनका दोस्तों बेड़ा गर्क हो सकता है, भारी नुकसान होगा। तो वाशिंगटन सुंदर को आपको टीम में दोस्तों यहाँ पे वाइस कैप्टन लेकर के नहीं जाना, आप लोग टीम में जरूर लेकर के जाइएगा क्योंकि ऑलराउंडर है गेंदबाजी और दोस्तों कुछ ना कुछ रन बना करके आपको पॉइंट्स जरूर दे सकते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर इस हिसाब से आपको टीम में लेकर चलना है, अन्यथा दोस्तों वाइस कैप्टन लेकर के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 62% सिलेक्शन रेट है ब्रायनेट, देख सकते हैं ब्रायन बिनेट का, और ये देख सकते हैं पिछले तीन मुकाबलों अगर बात की जाए ब्रायन बिनेट जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हैं और देख सकते हैं रिसेंट मुकाबले में दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर हुए 17 पॉइंट्स दे करके, दूसरे T20 मुकाबले में यहाँ पे 43 पॉइंट दिए हैं और ड्रीम टीम में जगह पक्की करी और 78 पॉइंट दिए थे पहले T20 मुकाबले में। तो आज के मैच में ब्रायन बिनेट जरूर कम बैक करेंगे, इस खिलाड़ी को जरूर टीम में लेकर के चलिएगा, ये खिलाड़ी आपके लिए काफी अच्छा सेफ हो जाता है, ये जरूर आपको जरूर आज ड्रीम टीम में दोस्तों यहाँ पे जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता हुआ दिखाई देगा और इस खिलाड़ी को हल्के मत लेना, ये खिलाड़ी आज के मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी होगा, टीम में जरूर लेकर के चलना है, अगर आप लोग ड्रॉप करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से, अब बारी है गेंदबाज सेक्शन से, देख सकते हैं 87% सिलेक्शन रेट है रवि बिश्नोई, ये तुला राशि का जातक है और रवि बिश्नोई की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे रिसेंट तीसरे मुकाबले में दोस्तों अभी ड्रीम टीम में एक भी विकेट नहीं मिला और यहाँ पे दूसरे T20 मुकाबले में 2-3 विकेट मिले और यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकेट मिले थे दोस्तों पहले T20 मुकाबले में। तो रवि बिश्नोई को आप लोग टीम में जरूर लेकर के चलिएगा, गेम चेंजर खिलाड़ी होगा और ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स देने वाला है। तो रवि बिश्नोई को दोस्तों आपको टीम में लेकर चलना, देख सकते हैं 84 और 183 पहले मैच में दोस्तों यहाँ पे कप्तान भी बन चुके हैं, तो रवि बिश्नोई आज के मैच में जरूर आपको पॉइंट्स देने वाले हैं, इस खिलाड़ी को टीम में दोस्तों ले जाने का कष्ट जरूर करिएगा, रवि बिश्नोई गेम चेंजर खिलाड़ी आपको हो सकते हैं आज के मैच में दोस्तों, ये वाइस कैप्टन या कप्तान फिर से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो रवि बिश्नोई को ले जाना मत भूलना दोस्तों, रवि बिश्नोई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कराते हैं आपको, विकेट चटकाने विकेट टेकर खिलाड़ी है। आप दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के अगले गेंदबाज आशीर्वाद मुजरबानी की, ये खिलाड़ी देख सकते हैं लगातार एक विकेट दो विकेट देख सकते हैं रिसेंट मुकाबले में, दूसरे T20 मुकाबले में एक विकेट, पहले में दोस्तों एक विकेट, इस प्रकार से यहाँ पे आशीर्वाद मुजरबानी विकेट चटका रहे हैं। तो ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपको जरूर ड्रीम टीम में लेकर चलना चाहिए, सेफ खिलाड़ी है, जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आती है तो पहले गेंदबाजी आती है, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे इस खिलाड़ी का आशीर्वाद मुजरबानी मेष राशि का जातक है, आज के मैच में 102 विकेट फिर से निकालने वाले हैं और टीम में दोस्तों इस खिलाड़ी की जगह बन सकती है, बट इस खिलाड़ी को दोस्तों आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि दोस्तों अगर दोस्तों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आज तूफानी पारी खेलते हैं तो उस कंडीशन में ये खिलाड़ी दोस्तों इसके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, हो सके इसको विकेट ना मिल पाए, थोड़ा बहुत खतरा जरूर इसके ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं रिचर्ड नागवा, ये दोस्तों खिलाड़ी है एक ही मैच खेला है और ड्रीम टीम में जगह नहीं बना पाती, इस खिलाड़ी को आंख मूंद करके ड्रॉप करके चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना तभी ले जाना अन्यथा मत ले जाना। आवेश खान को टीम में जरूर लेकर के चलेगा, मेष राज के जातक हैं और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपको अच्छे खासे विकेट निकाल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ बात कर ली जाए मेष राज के जातक आवेश खान के विकेट के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं जिम्बाब्वे के तीसरे मुकाबले में 2 विकेट और दूसरे मुकाबले में 3 विकेट, पहले मुकाबले में 2 विकेट, तो आवेश खान के लगातार पिछले 3 मुकाबलों में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट निकाल रहे, तो आवेश खान भी गेम चेंजर खिलाड़ी होगा, आवेश खान को हल्के मत लेना, ये खिलाड़ी अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेलिंगटन मक्साजा, इसको आपको ड्रॉप करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस खिलाड़ी भी दोस्तों इसके पास विकेट लेने की क्षमता नहीं है, एक एक विकेट निकाल रहा बट ड्रीम टीम में एक ही बार आया 3 मुकाबलों में। खलील अहमद की बात करते हैं, देख सकते हैं खलील अहमद 2 मुकाबले खेल चुके हैं, लास्ट मुकाबले में दोस्तों 1 विकेट मिला था, तो खलील अहमद को दोस्तों आपको रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क लेने का दिल कर रहा है तभी लेकर के जाएगा, अन्यथा ड्रॉप कर दीजिएगा खलील अहमद को।
रिस्की गेंदबाज दोस्तों अगर ले जाना चाहते हैं आप लोग दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से यहाँ पे गेंद चेंजर गेंदबाज लेकर जाना तो तेंदुलकर चौहत्रा को आप लोग कम बैक करा सकते हैं। ये खिलाड़ी पहले मुकाबले में देख सकते हैं 101 पॉइंट दे चुका है। कितने पॉइंट दे चुका है? 101 पॉइंट दे चुका है। तो तेंदुलकर चौहत्रा को लेकर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सभी खिलाड़ियों के बारे में देख लिया, ऑलराउंडर के बारे में देख लिया, विकेट कीपर सेक्शन के बारे में देख लिया। तो चलिए दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, बालाजी महाराज की जय हो और सन्यासी बाबा की जय हो, दादाजी गुरु महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया आज के सभी खिलाड़ियों के बारे में, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से चलिए टीम बनाते जबरदस्त तरीके से आपको टीम बना करके दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से अगर बात की जाए जिम्बाब्वे वर्सेज इंडिया मुकाबले में आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से विनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन को लेना है, शुभमन गिल को लेना है, यशस्वी जायसवाल को लेना है, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके चलिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ली मधुवेरे को लेकर चलना है, ऑलराउंडर सेक्शन सिकंदर राजा, अभिषेक शर्मा और यहाँ पे दोस्तों बी बिनेट हो गए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं ऑलराउंडर में काफी वाशिंगटन सुंदर को लीजिएगा या फिर शिवम दुबे को भी लेकर के जा सकते हैं रिस्की ऑलराउंडर के तौर पर, वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दीजिएगा, अभिषेक यहाँ पे शिवम दुबे को ले लीजिएगा। अब दोस्तों गेंदबाज से रई बिश्नोई मुजरबानी हो गए, आवेश खान हो गए और दोस्तों यहाँ पे एक खिलाड़ी और मुजरबानी को अगर ड्रॉप करना है तो तेंदुलकर चौहत्रा को ले जा सकते हैं रिस्की गेंदबाज। तो ये दोस्तों आपके सामने टीम बनकर के आ चुकी है और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ये टीम बहुत ही लाजवाब है। विकेट कीपर सेक्शन से देख सकते हैं संजू सैमसन है, शुभमन गिल आ गए, यशस्वी जायसवाल आ गए, डब्ल्यू मधुवेरी आ गए, सिकंदर राजा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, बी बिनेट हो गए, आर बिश्नोई, आवेश खान, तेंदुलकर चौहत्रा। तो ये दोस्तों टीम काफ़ी लाजवाब बन चुकी है और जबरदस्त तरीके से। ज़्यादातर लोग दोस्तों क्या करते गलतियाँ करते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं इसके बारे में बताएंगे। 90% लोग दोस्तों कप्तान बनाने में गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं? क्योंकि पिछले मैच के खिलाड़ियों को कप्तान बनाएंगे। और दोस्तों जैसे कि रिसेंट मुकाबले में आपने देखा शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और ये यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर को वाइस कैप्टन बनाया गया था और हमने इस मैच में वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि रिस्क लिया जा रहा है, बिना रिस्क के आप लोग यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे, इस बात को मान लीजिएगा। अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं तो आप यहाँ पे फूटी कौड़ी नहीं जीत पाओगे। अगर आप लोग लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब दूसरी गलती क्या करते हैं? हाई सिलेक्शन परसेंटेज से खिलाड़ी कप्तान चुन ली जाती हैं। अगर आप लोग हाई सिलेक्शन परसेंटेज से कप्तान चुनते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मतलब हाई सिलेक्शन परसेंटेज का कप्तान कभी नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ पे अभिषेक शर्मा को 25% लोग कप्तान बना रहे हैं और सिकंदर राजा को यहाँ पे 17.73% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो आज के मैच में सिकंदर राजा दोस्तों यहाँ पे वाइस कैप्टन और यहाँ पे अभिषेक शर्मा दोनों एक साथ में कप्तान नहीं बन सकते। सकता है अभिषेक शर्मा कप्तान बनेगा तो इनके साथ वाइस कैप्टन कोई दूसरा बनेगा, अगर यहाँ पे सिकंदर राजा वाइस कैप्टन बनेगा तो इनके साथ में कप्तान कोई और बनेगा। बट अगर ये दोनों का हाई सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो ये दोनों एक साथ कप्तान बनते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। आप लोग हर मैच में जाकर के पीछे डाटा में देख लीजिएगा या इस मैच में देख लेना, किसी भी मैच में देख लेना, कप्तान का ये सबसे बड़ा लॉजिक है। और सबसे बड़ा गलती यहीं पर लोग करते हैं कि दोस्तों टीम तो बना लेते हैं मगर वो कप्तान बनाते समय उनके पसीने छूट जाते हैं और हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले कप्तान लेकर के चले जाते हैं। उनका बार बार हारने का सबसे बड़ा रीजन यही है। तो दोस्तों आज मैच में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आर बिश्नोई को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जा रहा है जिनका सिलेक्शन रेट मीडियम में है। तो देख सकते हैं आप लोग पहला कॉम्बिनेशन अगर बात करें यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाइएगा और वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं किसको? वाइस कैप्टन बना सकते हैं रवि बिश्नोई को बना सकते हैं। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए दोस्तों आप पहला कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाना है और कप्तान किसको बनाना है? दोस्तों कप्तान की बात कर ली जाए तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कप्तान आप लोग बना सकते हैं तेंदुलकर चौहत्रा को। ये दोस्तों रिस्की आप लोग देख सकते हैं, तेंदुलकर चौहत्रा को यहाँ पे कप्तान बनाया गया। अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाज कोई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कराता है तो उस कंडीशन में कप्तान और अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कप्तान किसको बना सकते हैं। संजू सैमसन को बना सकते हैं, संजू सैमसन को कप्तान बनाइएगा और अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाइए। इंडियन बैट्समैन है दोनों, जबरदस्त कप्तान बनने के लायक हैं। तो ये दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया।
चलिए तीसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सिकंदर राजा को कप्तान कर दीजिएगा और वाइस कैप्टन आप लोग ट्राई कर सकते हैं शुभमन गिल को, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो चुका है, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन करना और सिकंदर राजा को आप लोग कप्तान कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन आपके सामने बन चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को कप्तान कप्तान के तीन कॉम्बिनेशन दे दिए, चलिए चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कप्तान के लिए, आप लोग बी ब्रायन बिनेट को आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हैं और कप्तान दोस्तों यहाँ पे रवि बिश्नोई को कर सकते हैं। कप्तान किसको? रवि बिश्नोई को कर सकते हैं। बी ब्रायन को आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ये चौथा कॉम्बिनेशन हो चुका है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको हमने दिया, जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। चलिए पांचवें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और आखिरी कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे दोस्तों, अभिषेक शर्मा को क्या करिएगा? कप्तान करिएगा। वाइस कैप्टन आप लोग आवेश खान को कर सकते हैं, आवेश खान को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ये पांचवा कॉम्बिनेशन आपके सामने लाजवाब कॉम्बिनेशन आ चुका है। और दोस्तों कॉम्बिनेशन आपको हर बार हट के बताना होता है, पिछले मैच में जो खिलाड़ी बने होते हैं उन खिलाड़ियों को कप्तान कप्तान नहीं बनाना होता। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की जरूर लिखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा।